दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। आज इस वीडियो का एक टॉपिक हमारा पूरा लीक से हटके है। मैं वीडियो जनरली बनाता रहता हूं, फिश कैसे बड़ी होगी, क्या बीमारियां होंगी, कैसे इलाज होंगे, क्या दवाई होगी, कैसे प्रोजेक्ट बनेगा। आज मैं ये वीडियो आपको शेयर करना चाहता हूं अपने बिगनर्स, कॉरपोरेट के फ्रेंड्स, इंडस्ट्री के लोग, फार्मर्स, कि मैंने पिछले 2.5-3 साल में जब से मैंने मछली पालन स्टार्ट किया है, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो को, और मेरी सबसे विनम्र निवेदन है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तो आप हो सकता है कि बहुत सारे डिसीजन ले पाने में सक्षम हो जाए इस वीडियो देखने के बाद। दोस्तों मैंने आज तक अपनी सारी वीडियो में आपको मछली पालने के बारे में बताया है, लेकिन इस वीडियो में क्या होगा कि मछली पालने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गए, या जो मैंने अपनी ड्यूरिंग माई जॉब, जो मैंने 13-14 साल जॉब की और लास्ट के 2.5-3 साल में क्या डिफरेंस महसूस किया है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सबसे अच्छा जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपने बॉस खुद हो। आपकी जॉब लाइफ में वही डेली रूटीन, अर्ली मॉर्निंग उठना, नंबर ऑफ कॉल्स, ईमेल का रिप्लाई करना, व्हाट्सएप पे रिवर्ट करना, और हम वीकेंड का वेट करते हैं कब मेरा फ्राइडे नाइट आएगी और कब मैं सैटरडे संडे बिताऊंगा। मैंने महसूस किया मछली पालन में आपका हर रोज ही वीकेंड है, जो मैंने सबसे ज्यादा डिफरेंस महसूस किया है। आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हो, आप फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव सबके बर्थडे मनाओ, सबकी एनिवर्सरी मनाओ। आपको इस काम में मॉनिटरिंग करनी है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैंडेट नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस आप अपनी अल्टरनेट डे, वीक में 2 बार अपने फार्म पे रखिए, लेकिन आपके पास अपने बाकी जो आपने कनेक्टिंग डॉट्स थे उन्हें दोबारा कनेक्ट करने का टाइम है आपके पास। आप ओपन हो कहीं भी जाने के लिए, कभी भी आपको सोचना नहीं है छुट्टी का अप्रूवल नहीं चाहिए। आप ये सोचिए कि आप छुट्टी लेने गए बॉस से और बॉस ने कहा कल तो कोई मीटिंग है, कोई रिव्यू है, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। और ऐसी सिचुएशन में तो आप सीएल भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी बॉस से डिस्कस कर चुके हो। तो मैंने बहुत बार देखा जॉब में कि जब भी आपने कोई प्लान करा, कई बार आपके प्लान फ्लॉप हो गए, फिर आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। आपको किड्स की छुट्टी मैनेज होनी चाहिए, वाइफ जॉब में तो उसकी छुट्टी मैनेज होनी चाहिए। आप बहुत बार क्या करोगे, ये मतलब प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, क्योंकि सबकी छुट्टी उसी रेशो में कंबाइंड नहीं हो पाती। आपका सर्कल, जो सोशल सर्कल है, वो एनहांस कर जाता है। आप अपने फार्म पे जाते हैं, बैठते हैं, नए नए लोग आपसे मिलते हैं, आपके स्कूल कॉलेज की लाइफ के जो फ्रेंड्स हैं, जो छूट गए थे, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो। जॉब में बहुत बार क्या होता है कि आप बस, मुझे ऐसा फील होता है, या मैं कंपेयर करूं अपनी प्रीवियस लाइफ से, तो हो सकता है हम 4 दोस्त खड़े हो, लेकिन दिमाग में बैकएंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कोई प्रेजेंटेशन, कोई एक्सेल, कोई कॉल, कोई डिटेल्स चल रही होगी। यहां पे आप पूरे रिलैक्स, माइंड फ्री, क्योंकि आज की डेट में आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। अगर आपने अपना नेटवर्क ही एनहांस नहीं किया, तो फिर तो सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। आप कभी भी जॉब स्टार्ट करोगे, आपकी सेकंड जनरेशन भी फिर जीरो से स्टार्ट करेगी। उसे बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लेगेसी, आई कैरी फॉरवर्ड आप छोड़ जाते हो, आपको उसको एनहांस करने की जरूरत है। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ, वीपी भी रिटायर्ड हो रहे हो और आपका अपना कोई बिजनेस नहीं है, तो आपकी जो सेकंड जनरेशन है वो भी जीरो से स्टार्ट करेगी। ऐसा बिजनेस में नहीं होता, ये मैंने फील किया। तभी मैंने अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड 12 एकड़ से 100 एकड़ तक ले गया मैं, और वो बहुत ही 2.5 साल के छोटे स्पैन में। और जो मेरा 300+ एकड़ का विजन है, वो मेरे को नेक्स्ट 2 ईयर्स में पूरा करना है। आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। आप अपने फार्म पे प्योर मिल्क के लिए गाय पालिए, भैंस पालिए, प्योर वेजिटेबल्स, आप बहुत स्पेस रहता है फार्म पे, आप लगाइए, आप वो खाइए। आप स्ट्रेस भी नहीं होगी, बस जाना है सुपरमार्केट खरीदना है, ये कभी गाड़ी में कॉल चल रही है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है। आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, डिजीज फ्री रहते हो। मैं आपको अपना बताता हूं, मैं पूरे कोरोना काल में अपने फार्म पे रहा, ना कोई कोरोना हुआ, ना कोई बीमारी हुई। मैं कंटिन्यूअस अगर घर भी जा रहा था, तो जस्ट मैंने अपने टाइम को एडजस्ट कर लिया, चाहे वो मार्च का महीना था, चाहे अप्रैल का मंथ था। ऑफिस वालों ने कोरोना काल में, मेरे बहुत सारे दोस्त कॉर्पोरेट के इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर में, टेलीकॉम में,
सबने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, लेकिन आप एक बार उनसे मिलिए और बात कीजिए, या आप खुद भी अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं इस पेन को कि कितना रियली में पेन है। वो अर्ली मॉर्निंग से है ना, पहले तो ऑफिस जा रहे थे तो आपके पास टी टाइम टी ब्रेक था, कोई भी ब्रेक अवेलेबल था आपके पास। अभी तो कंपनी के मैनेजर्स या बिग बॉस ये सोच रहे हैं कि बस आपने अगर वर्क फ्रॉम होम दे दिया है तो अब आपके 24 घंटे उनके हो गए हैं। दोस्त, आपको लीडर बनना पड़ेगा, बॉस नहीं। लीडर और बॉस में बहुत डिफरेंट रहता है। दूसरा, आप फंड मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं जब आप बिजनेस करते हैं। तो आप किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन में जॉब कीजिए, वहां से अच्छी सैलरी मिल रही है, वो मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को अच्छी मेरी सेविंग भी है, हैंडसम अमाउंट भी है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, एक फंड मैनेजर और रिक्रूट किया हुआ है जो मेरा फंड को मैनेज कर रहा है, या तो शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। तो आपने एक और कॉस्ट इंक्रीज करी हुई है अपने फंड को मैनेज करने के लिए। जब आपके पास टाइम रहता है, आपके पास बैंडविड्थ रहती है, तो आप अपना फंड खुद ही मैनेज कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा पार्ट रहता है बिजनेस करने में। आपको एक इंटरनल फीलिंग, इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे मैं जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हूं या जबरदस्ती मैं कुछ शो करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके पास फंड है, आपके पास विजन है, और स्पेशली मछली पालने में तो आपके पास मार्केटिंग में तो काम ही नहीं करना। आपको आपकी स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिक ऑलरेडी अलाइन है, डिमांड सप्लाई का इतना बड़ा गैप है। तो मछली पालने से कितने सारे फायदे हो रहे हैं जो मैं पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ में फील कर रहा हूं। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है, मोर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके पास अलग अलग डोमेन के लोग मिलेंगे आपको। आप अपना जो आपके पास टाइम है तो आपका जो पैशन है आप उसे फुलफिल कर सकते हैं। किसी को घूमने का पैशन है, किसी को राइडिंग का पैशन है, किसी को बुक रीडिंग का पैशन है, किसी को गाने सुनने का पैशन है। जो मैं कहाँ गाने सुन पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता आपको, और ऐसा लगता है बस हम दूसरे के लिए जिए जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आप सोसाइटी को भी टाइम देते हैं, क्योंकि आप भी सोशल, आपको भी सोशल लाइफ जीनी होगी, अदरवाइज तो आपकी इंडिविजुअल लाइफ तो खत्म हो जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप जॉब करते रहे। तो ये मैंने फील किया लास्ट के 2 से 3 साल के, 2.5 साल के स्पैन में तकरीबन मैंने कंपेयर करा, जस्ट आपको शो करा, क्योंकि काफी सारे कमेंट आए थे और काफी लोगों ने पूछा कि सर आप कैसा फील कर रहे हैं एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के। मैं कॉर्पोरेट में था, एमएनसी में भी काम किया, इंडियन कंपनी में भी काम किया, कि अभी आप अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरा एक्सपीरियंस को यहाँ पे पूरा डाउनलोड करा है, पूरी इंजीनियरिंग मैंने एक्वाकल्चर में लगाई है, और आप मैं एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग भी करता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग मेरा पैशन है, मेरे पास टाइम बहुत होता है, और अब मैंने बिजनेस भी ऐसा चूज कर लिया जो आपको टाइम देता है। हाँ, लेकिन मैं पूरी मॉनिटरिंग या मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अपने पूरे प्रोजेक्ट का ड्राइवर मैं अकेला ही हूँ, मैंने बाकी सबको कंडक्टर ही रखा है, ड्राइवर मैं ही बना हूँ। तो दोस्तों, ये आज मैंने जो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है आपसे, तो आप देखिए और थिंक अबाउट दैट कि आप अगर एक्वाकल्चर में आते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं, तो आपके साथ क्या क्या चेंजेस होने वाले होंगे या हो जाएंगे। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।